हाय एवरीवन, दिस इज आर शर्वाल एंड वेलकम टू वॉरफेयर चैनल। जैसे कि पहले भी एक अपडेट आई थी निर्मला सीतारमण की तरफ से कि एक विंडो ओपन है जिसमें सारी क्वेरीज को लिया जाएगा, जैसे कि फिनटेक की या फिर इसी के साथ जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं इनको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ अभी एक और न्यूज़ आई है क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने फिर से कैबिनेट नोट की बात करी है, जिससे अभी थोड़ा और इंडिकेशन मिल रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज को जल्द ही रेगुलेट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर हम GST की बात करें, टैक्सेस की बात करें, तो यहाँ GST 18% का होने वाला है जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस होंगी फॉरेन की। और इसी के साथ अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो टैक्सेस लगने वाले हैं, आपके जो भी गेन्स होंगे उसके ऊपर क्या टैक्सेस लगेंगे, ये सारी डिस्कशन हम करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और शेयर कर दो और हमारे चैनल अर्श अग्रवाल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अब तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच रहे। और अगर आप नहीं जुड़े हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर तो वहां भी जुड़ जाइए क्योंकि वहां पर सारी लेटेस्ट अपडेट्स 24/7 मिलने वाली क्रिप्टो करेंसीज की। और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं किसी भी कॉइन के बारे में वो आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। हमारे सभी ट्रेडर्स आपको हमेशा ऑन द स्पॉट जवाब देने वाले हैं। तो ये दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे टेलीग्राम के। तो आइए हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग कि अभी इसको रेगुलेट किया जाएगा या नहीं। तो इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, क्या ये पास होने वाला है या नहीं। तो इसके बारे में निर्मला सीतारमण जी से पूछा गया है तो उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इस चीज़ को लेकर। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि कैबिनेट नोट जो है वो रेडी हो चुका है और जैसे ही कैबिनेट इस नोट को कंसिडर करेंगे तो उसके बाद हमें नेक्स्ट मूव का भी पता चलने वाला है। इसके साथ उन्होंने एक दो और इंडिकेशन दिए हैं कि कम से कम या फिनटेक को एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए विंडो ओपन रखा जाएगा, जिससे क्रिप्टो करेंसीज के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अभी हमारा पॉलीगॉन है, इजीफाई है, तो इस तरह के सभी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन एक और चीज़ इसी के साथ बताई है कि जो कैबिनेट का डिसीजन है वो अभी तक नहीं आया है। जैसे ये डिसीजन आ जाएगा, जैसे ये फाइनल हो जाएगा, जल्द ही रेगुलेशंस आने वाली हैं, आपके टैक्सेस क्या लगने वाले ये भी सब कुछ सामने आ जाएगा, यानी कि आप कितनी गेन करते या फिर जो ट्रांजैक्शंस करते हो उसके ऊपर क्या टैक्सेस लगने वाले, ये हर चीज़ सामने आएगी। और इसी के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलने वाला है कि जो भी अभी चार्जेस लग रहे हैं डिपॉजिट करने पर एक्सचेंजेस के ऊपर वो बहुत ही कम हो जाएंगे, उनको रेगुलेट कर दिया जाएगा। क्योंकि करंटली हम देख रहे हैं कि जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर मोबीक्विक के द्वारा डिपॉजिट्स हो रहे हैं लेकिन उसके ऊपर चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी जो सही तरीका वो P2P का ही है, यानी कि अगर आप P2P से ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ आपका बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ट्रांजैक्शंस भी इंस्टेंट रहती हैं। लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी आपको बहुत ही सस्ते में सेल कर रहा है ऐसी ट्रांजैक्शन आप कभी भी मत करें क्योंकि उसमें हो सकता है आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो जाए। लेकिन सही मायने में अभी P2P ही सही तरीके से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी ऐसे ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे, जैसे कि अभी भी UPI फिर से ऐड कर दिया गया है वजीरेक्स के ऊपर। लेकिन ये बार बार ऐड और रिमूव होते रहते हैं, बैंकिंग पार्टनर्स रिमूव होते रहते हैं, उनका टाइप जो है वो कट होता रहता है क्योंकि RBI हमेशा कुछ ना कुछ एक्शंस लेता रहता है बैकग्राउंड में। लेकिन जैसे ही रेगुलेशंस आ जाएंगे तो हमें इस चीज़ से दोबारा नहीं जूझना पड़ेगा। और जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं बाहर के उनको एक्स्ट्रा 2% का इक्वलाइजेशन लिवाई भी देना पड़ेगा। अगर हम जनरल टैक्स की बात करें तो वो 18% तक हो सकता है। जैसे कि करंटली हम बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वहाँ ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ सकते हैं, इसी कारण हमारे लिए बेटर यही रहने वाला है कि अगर हम इंडियन एक्सचेंजेस यूज़ करें तो इससे क्या कि एक तो हमारे इंडियन स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और हमारे इंडिया बेस्ड जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर ट्रांजेक्शन फीस कम रहेगी और इसी के साथ आप INR डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स भी बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो इसके लिए आपको मैं लिंक्स दे रहा हूँ बिटमिंट्स का, वजीरेक्स का, तो आप इनमें से कोई भी लिंक चूज़ कर सकते हैं, किसी के ऊपर साइनअप कर सकते हैं, आपको बहुत से यहाँ फ्रीबीज मिलने वाले हैं साइनअप करने पर। और जैसे बिल आएगा इससे एक और चीज़ क्लियर होगी कि आपकी जो भी गेन्स होने वाली है, जो भी आप अर्निंग करोगे क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, जो भी कैपिटल गेन्स होंगे उनके ऊपर टैक्सेस क्या रहने वाले, सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर हम बात करें कंपनीज की या फिर जो बिजनेस हैं उनके लिए ऑलरेडी अमेंडमेंट आ चुका है कि उन्होंने हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करना है, यानी कि क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना है या फिर जितने भी क्रिप्टो में गेन्स हुई हैं उसको भी रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में। तो इस तरीके से बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है हमारे क्रिप्टो बिल के रिगार्डिंग। लेकिन आपका क्या मानना है इसके बारे में कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। और नीचे एक चीज़ और कमेंट जरूर करना, इंडिया वांट्स क्रिप्टो, यानी कि #IndiaWantsCrypto आप जरूर कमेंट करना। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आके पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉरफेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच रहे। धन्यवाद।